क्या हुआ बहादुर? भाभी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? क्या मदद? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप अगले महीने मेरे तनख्वाह से काट लेना। कितना चाहिए तुम्हें? 10,000। अच्छा ठीक है, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी देती हूँ। जी भाभी। बहादुर, मैं तुम्हें ये 10,000 रुपया फ्री में दूंगी, मगर तुमको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। भाभी जी, बस आप मुझे काम बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या सच में बहादुर, कुछ भी कर सकते हो? हाँ भाभी जी, कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर अंदर आओ। बहादुर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे सिर्फ तुम ही तुम दिखाई देते हो। I love you बहादुर, प्लीज मुझे एक टाइट हग करो ना। बहादुर, और मुझसे रहा नहीं जाता। बहादुर, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। ये लो पैसा और जाओ यहाँ से।
जब से मैं ये डिश टीवी लगाई हूँ ये डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम रोज होता है। अभी मैं केबल ऑपरेटर को फोन करती हूँ। हेलो, डिश टीवी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ। 2 दिन हो गया मैं अपना फेवरेट सीरियल नहीं देख पा रही हूँ। आप जल्द से जल्द मेरे घर आइए और डिश टीवी कनेक्शन ठीक कीजिए। मैडम पहले आप हमें ये बताइए ये डिश टीवी कनेक्शन किसके नाम पर है। मेरे हस्बैंड के नाम पे, आदित्य कपूर। 1 मिनट मैडम आप लाइन पे रहिए मैं चेक करके देखता हूँ। मैडम क्या आप लाइन में हो। हाँ मैं लाइन में हूँ। 3A डॉक्टर GS बोस रोड, क्या ये एड्रेस आपके घर का है। जी हाँ। मैं आपका कंप्लेन ले लिया हूँ, थोड़ी देर बाद एक बंदा जाएगा आपके घर, क्या प्रॉब्लम है आप उसे बता देना। भाई साहब थोड़ा जल्दी भेजना नहीं तो मेरे फेवरेट सीरियल मिस हो जाएगा। ओके मैडम। भाई साहब आदित्य कपूर का फ्लैट कौन सा है। आप कौन हो और बात क्या है। मैं हूँ केबल ऑपरेटर, मैडम ने फोन किया था, लाइन चेक करने के लिए आया हूँ। हो रहा, और हाँ वहाँ जाकर सिर्फ केबल लाइन ही चेक करना, कुछ उल्टा सीधा मत करना वरना मैं तुम्हारा लाइन काट दूंगा। हाँ भाभी जी मैं राजा डिश टीवी ऑपरेटर। अच्छा ठीक है आप अंदर आइए। ये रहा टीवी। प्रॉब्लम क्या है पहले आप मुझे ये बताइए। पता नहीं क्या हो गया कोई भी चैनल नहीं आ रहा। अच्छा मैं देखता हूँ। भाभी जी रिमोट। क्या आप चाय पियेंगे। जी भाभी। अच्छा मैं अभी लाती हूँ। भाभी जी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। सच में इतना जल्दी ठीक हो गया। वाह आप चाय पीजिए ना। आपको सर्विस चार्ज क्या देना होगा। सर्विस चार्ज तो आपने पहले ही दे दिया। सर्विस चार्ज दे दिया मैं कुछ समझी नहीं। आपने इतने प्यार से मुझे चाय पिलाया मैं आपसे पैसा कैसे ले सकता हूँ। बहुत अच्छी बात कर लेते हो आप। थैंक यू। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। भाभी जी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। हाँ पूछिए ना। इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हो और आपके हस्बैंड। उनके बारे में आप कुछ पूछिए मत। क्यों भाभी जी। कैसे बताऊँ मैं आपको, महीने में 28 दिन वो बाहर रहते हैं, उनको जरा सा भी फिक्र नहीं है मेरे बारे में। मैं आपको क्या बताऊं कैसे मेरे दिन और रात कटता है। मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं। एक जवान औरत का अकेले रात बिताना कितना मुश्किल होता है। क्या करूं? ये तो मेरी मजबूरी है और कोई मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। रास्ता है भाभी जी।
अगर आप चाहे तो मैं आपका अकेलापन दूर कर सकता हूँ। क्या सोच रही हैं भाभी जी? कुछ नहीं। ये लीजिए मेरा कार्ड। अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो एक कॉल कर देना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हेलो पल्लवी, मैं रिया। रिया, तू इतने दिनों के बाद, और ये नंबर किसका है? ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना। और हाँ, मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलना, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। कल सुबह तुम उससे मिल बीच के पास, बाकी बातें मिलके करेंगे। बाय बाय। रिया, पल्लवी, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। अब मैं आ गई हूँ ना, चुटकी में मैं तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अब बता क्या बात है? पल्लवी, मैं तुझे कैसे बताऊँ, हमारी शादी को 1 साल हो गए, अभी तक मेरे हस्बैंड ने मुझे टच तक नहीं किया। अरे यार, मैं तुझे कैसे बताऊँ, ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है। छोड़ ये सब बातें, पहले तू मेरे को ये बता, तेरे हस्बैंड करते क्या है? डिश टीवी ऑपरेटर। क्या, डिश टीवी ऑपरेटर? क्या नाम है तेरे हस्बैंड का? राजा। राजा, क्या तुम मुझे उसका एक फोटो दिखा सकती है? हाँ एक मिनट, मैं दिखाती हूँ। मुझे सब समझ में आ गया। जिस प्यार की तू हकदार है, मैं तुझे वो सारा प्यार दिलाकर रहूंगी। अब चल मेरे साथ। मगर कहाँ? तू सवाल बहुत करती है, अब देख मैं क्या करती हूँ। हेलो, मुझे अभी एक रूम चाहिए, नाइट स्टे करना है। हाँ मैडम, हो जाएगा, अपना आईडी व्हाट्सएप करिए। ओके। पल्लवी, तूने रूम बुक क्यों किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर तू करना क्या चाहती है? तू बस देखती जा, अब मैं क्या करती हूँ। चल। मुझे एक कॉल करना है, तू बीच में कुछ मत बोलना। हेलो, कौन? राजा, मैं पल्लवी। अरे भाभी जी, आप बोलिए, कैसे याद किया? राजा, क्या तुम मुझे वो प्यार दे सकते हो जो मुझे मेरे पति से नहीं मिलता है? भाभी जी,
मैं भी यही चाहता हूँ, आपने मेरे दिल का बात बोल दिया। तो फिर ठीक है, तुम अभी इसी वक्त होटल पार्क प्राइम में आ जाओ, रूम नंबर 205। होटल में? जी भाभी जी, मैं अभी आता हूँ। आखिर तो करना क्या चाहती है, साफ साफ बताएगी? तू ध्यान से सुन मेरी बात, मैं क्या करना चाहती हूँ। राजा भी आने वाला है, तू कहीं छुप जा। लगता है वो आ गया है, तू बाथरूम में छुप जा। राजा, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगी जो तुम चाहते हो, मगर एक शर्त पे। कैसा शर्त भाभी जी? हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा, तुमको अपने आंख बंद रखना होगा। वो कैसे? ये कपड़ा अपने आंख में बांध लो और चुप रहना, कुछ मत बोलना। हाँ बांध लूंगा, मगर आपको उससे पहले ये पहनना होगा। अच्छा मैं पहनती हूँ, पहले तुम ये कपड़ा अपनी आंखों में बांध लो। राजा, मैं अभी चेंज करके आई। फटाफट तू ये कपड़ा पहन ले और कर ले अपनी ख्वाहिश पूरी। तेरे प्यार खत्म हो जाने के बाद मुझे एक मिस कॉल दे देना, मैं आ जाऊंगी।
लागे नहीं कहीं हो नजरी जरा वॉशरूम जाना है। जब तक मैं ना आऊं तुम आंखों की पट्टी मत खोलना। जैसी आपकी मर्जी। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत खूबसूरत। राजा सच बताना, मेरे साथ प्यार करके तुम्हें कैसा लगा? भाभी जी मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने वाइफ के साथ हूं। राजा मुझसे एक वादा करो, तुम्हें अपने वाइफ को वो सारा खुशियां देना होगा जिसकी वो हकदार है। हाँ भाभी जी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी वाइफ को वो सारा प्यार दूंगा जिसकी वो हकदार है। अच्छा राजा अब तुम जाओ यहाँ से। थैंक यू पल्लवी, आज तेरी वजह से मुझे मेरे पति का प्यार मिल गया। थैंक यू किस बात का? मेरे फ्रेंड का घर बस गया और मुझे क्या चाहिए?